अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं रशियन सलाद, क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल में मंडे को है वर्ल्ड फूड डे, इसलिए उसको बोला गया है कि आप अपनी कंट्री का एक हेल्दी स्नैक लेके आएँ। तो मैं उसको ये बना के दे रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी है, इसमें फ्रूट और वेजीज दोनों मिक्स होते हैं और इसका टेस्ट भी स्वीट एंड सावर रहता है, तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। मेरी बेटी को मैंने साइड में खड़ा रखा है ताकि उसको पता लगे कि इसमें क्या क्या फ्रूट्स डाले गए हैं, क्या कौन कौन सी वेजीज डाली गई है, ताकि एक स्कूल में जब जाएगी तो उसको सारा कुछ याद रहेगा। इसमें मैंने लिए है 200 ml फ्रेश क्रीम और 4 बड़े चम्मच मैंने डाले हैं इसमें मेयोनीज़ के, 1/2 चम्मच सॉल्ट, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर और 1.5 चम्मच बड़ा शुगर का, और मैंने आज में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डाला है। मतलब ये 400 ml का कैन है तो मैंने 200 ml इसमें कंडेंस मिल्क भी डाला है। तो हम ये सॉस बना के इसको हम साइड में रख देंगे और अपने फ्रूट काट लेंगे। फ्रूट में मैंने एक एप्पल लिया है, एक पेयर लिया है, 2 बनाना लिया है और हाफ़ बोल मैंने ग्रेप्स लिए हैं, हाफ बोल मैंने पोमेग्रेनेट लिए हैं, एक कैन मैंने लिया है पाइनएप्पल का और एक कैन लिया है मैंने ट्रॉपिकल फ्रूट्स के, तो वो 2 कैन वो भी लिए मैंने, वो भी इसमें डाल के मैं मिक्स करके साइड में रख दूँगी। उसका जो वाटर है मैंने ड्रेन कर लेना है। वेजीज में मैंने लिया है हाफ वेल पेपर रेड वाला, हाफ लिया है मैंने ग्रीन वाला, एक मीडियम साइज़ का मैंने लिया है कैरेट और एक मीडियम साइज़ का पोटैटो और हाफ बॉल मैंने लिया है ग्रीन पीस और हाफ बॉल ही मैंने लिए हैं कॉर्न। सो ये जितनी भी सारी वेजीज थी मैंने इसको बस 5 मिनट के लिए पकाया है ताकि इनका क्रंचीपन ख़त्म ना हो, और उसके बाद पकाने के बाद ड्रेन कर लिया है और ठंडे पानी में इसको रख के 5 मिनट फिर निकाल लिया है। तो बाकी मैंने अब मैंने फ्रूट और वेजीज को मिक्स कर लिया है यहाँ पे और मैंने 2 बोल में सेपरेट कर लिया है। तो एक जो बोल है मैंने अभी सर्व करना है तो उस पर मैंने क्रीम मिक्स कर देनी है और बाकी का जो मुझे नहीं सर्व करना है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो जब आप भी बनाएं तो आप भी उसी टाइम मिक्स करें जिस टाइम आपने खाना हो, क्योंकि ये इसमें सॉल्ट भी है तो इसमें से पानी निकलने लगता है, सारी वेजीज और फ्रूट जो है वो अपना पानी छोड़ देते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, मेरी बेटी ने ट्राई कर लिया, उसको बहुत पसंद।